तमेव केवलं धर्ता अस्ति, तमेव केवलं हर्ता अस्ति, तमेव सर्वं कल्याणं ब्रह्मास्ति। हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो गाइस, 11:30 बजे मैं आपको गुड इवनिंग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कल है गणेश चतुर्थी और हमारे घर पे होने वाला है गणेश जी का आगमन। तो गणेश जी के आगमन की जोरों शोरों से तैयारी चल रही है हमारे घर पे। घर पूरा बिखरा पड़ा है क्योंकि सब सामान यहाँ वहाँ बिखरा हुआ है क्योंकि डेकोरेशन चल रहा है। तो मैं अभी बेडरूम में हूँ, मैं अभी हॉल में जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ एग्जैक्टली क्या चल रहा है वहाँ पे। गाइस, अभी हम निकल चुके हैं गणपति लाने के लिए। रात के 12:30 हो गए और दुकान तो चालू रहेगा, रात भर चालू रहेगा दुकान। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं घर से। 2000 years later। तो गाइस, हम आ चुके हैं गणपति लेने के लिए। ये पीछे जो दिख रहा है आपको, ये है गणपति का शॉप है जहाँ से हमने गणपति की मूर्ति बुक की है। अभी हम अंदर चलते हैं, मैं आपको अंदर भी दिखाता हूँ। गाइस, आप देख सकते हो कितने सारे गणपति यहाँ पे। देख सकते हो यहाँ पे ये गणपति को ये जो डायमंड्स लगाए जा रहे हैं बहुत खूबसूरत है ये। गाइस, ये हमारी मूर्ति है, ये हमारे गणेश जी है जिनकी स्थापना हम घर पे करने वाले हैं। तो अभी हम इसकी पूजा करते हैं, तो बाद में इसको घर पे लेके जाएंगे। रप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, मोरिया बस। गणपति बप्पा मोरिया मोरिया। तो गाइस, पापा घर पे आ चुके हैं और अभी यहाँ पे काफ़ी सारी तैयारी हो रही है। डेकोरेशन आधा अधूरा, मतलब पूरा नहीं हुआ है। तो आप देख सकते हो अभी भी डेकोरेशन ये पूरा हो रहा है। पापा को हमने यहाँ पे विराजमान किया, मतलब इनकी स्थापना होने तक ये यहीं पे बैठेंगे और स्थापना होने के बाद यहाँ पर उनको बिठाया जाएगा। तो अभी हम ये डेकोरेशन पूरा करते हैं, फिर बाद में आपको फाइनल दिखाते हैं ये कैसा दिख रहा है। सो गाइस, सुबह के 4 बज चुके हैं और पंडित जी आ चुके हैं। मैंने जैसे पहले कहा था कि डेकोरेशन पूरा होने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन डेकोरेशन पूरा 3:30 बजे ही पंडित आ गए, मतलब वो 3:30 बजे ही टाइम फिक्स हो गया था, लेकिन डेकोरेशन करते करते हमें लेट हो गया। तो मैंने अभी आपको डेकोरेशन क्या है वो दिखाएंगी। तो हम लोग अभी काम करते हैं, अभी पहले हम लोग स्थापना करते हैं। तो हम पहले बापा की स्थापना करते हैं, फिर मैं आपको पूरा नज़ारा दिखाऊंगा। और मैं जा रहा हूँ बाहर पूजा के लिए। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, तुंड ओम वक्रतुंड महाकाय सर्वनिर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति अप्पा मोरिया। ओम नमस्ते गणपतये, त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, त्वमेव केवलं कर्ता असि,
तमेव केवलं धर्ता अस्ति तमेव केवलं हर्ता अस्ति तमेव सर्वं कल्याणं ब्रह्मास्ति तं साक्षात्मा कृत्यं तुतशतो शवत्वं मां वक्तारम् अवश्रोतारम् अवधातारम् अवधातारम् देवाला तुम्ही सांगा की मी माझ्या परीने जे काय केलेलं आहे जितकं जमेल तितकं केलेलं आहे त्याचा सगळ्यांनी स्वीकार करावा. गणपती अप्पा मोरिया सुख करता दुख हरता वारता विनाशी सर्वांगी सुंदर विशेंदुराची हरकी सरके माळ मुक्ता परांती तमेव बंधु तथा तुमे तमेव विद्यारणं तमेव तमेव सर्वं देव दे काय नवाचा मते नृदेवा उदात्रा वाप माझी भक्ती तुझे ठाई माझी भक्ती विरुठावी गणपती तुझे ठाई. सुबह के 11:30 हो रहे हैं और आज है गणपति. तो गणपति बप्पा मोरिया संगति संगति त्याची घडावी संगति. धरणी धराय से द्यावे सर्वाभूति लीन वावे सर्वाभूति लीन वावे तुझ शरण 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 आलो पतित मी जाण पतित जाण आलो पतित मी अपराधी मी खरा तुझा अपराधी मी खरा आहे इक्षुचा पदरा. ओ तुझा अपराधी मी खरा तुझा अपराधी मी खरा फिलहाल रात के 1:30 बज चुके हैं और अभी हम बस सोने के लिए जाने वाले हैं. काफ़ी लोग आए थे, बहुत गेस्ट आए थे. ज़्यादा मैं वीडियो नहीं कर पाया क्योंकि बहुत सारे लोग कंफर्टेबल भी नहीं होते अगर मैं वीडियो निकालता हूँ तो इट्स ओके. तो गाइस काफ़ी लेट हो चुका है, अभी हम कल सुबह मिलेंगे. कल पापा का विसर्जन है तो मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो निकालने का कल, क्योंकि हमारा जो विसर्जन का जो प्रोसेस है वो भी हम आपको दिखाएंगे. तो चलो गाइस इसी के साथ मैं वीडियो यहीं पे खत्म करता हूँ. तब तक के लिए गुड नाइट.